और यहाँ पेस्ट कर देंगे जो कोड हमने लिया था। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर व्यू पेज पर जाएंगे एंड नीचे आएंगे। देखिए ये पीडीएफ फाइल आ चुकी एंड यहाँ पर देखिए ये फ्लिप हो रही है, ये देखिए है ना, ये देखिए। दोस्तों वर्डप्रेस प्लगइन से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पीडीएफ फ्लिपबुक के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर पीडीएफ फाइल को ऐड किया है, देखिए इस तरह से जो फ्लिप हो रही है ना, तो आप कैसे ऐड करेंगे। अगर आपको थंबनेल लगाना है तो थंबनेल के साथ भी हमने यहाँ पर लगाया है, जैसे कि ये है, देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थंबनेल के साथ भी पीडीएफ फाइल आएगी, ये देखिए। और कैसे आप पीडीएफ फ्लिपबुक, 3D फ्लिपबुक, पीडीएफ एम्बेड, पीडीएफ व्यूअर प्लगइन को यूज कर सकते हैं, तो पेज और पोस्ट के अंदर हम आपको पीडीएफ फाइल ऐड करना बताएंगे फ्लिपबुक की तरह, जिसे यूजर अच्छे तरीके से पढ़ सकता है और चीज़ों को समझ सकता है और शेयर भी कर सकता है। तो पीडीएफ फ्लिपबुक प्लगइन जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी एंड यहाँ पर प्लगइन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लगइन को सर्च करेंगे, प्लगइन का नाम पीडीएफ फ्लिपबुक, यहाँ पर आ जाओ पीडीएफ फ्लिपबुक, 3D फ्लिपबुक, पीडीएफ एम्बेड, पीडीएफ व्यूअर। तो आप इस प्लगइन के द्वारा पीडीएफ फाइल को फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रेटिंग देखिए दोस्तों 5 स्टार है और इसके एक्टिव डाउनलोड 1 लाख से भी ज़्यादा है, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट में इस प्लगइन का यूज किया गया है। लास्ट अपडेट 3 वीक पहले आया है, तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है। तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं एंड यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड एक्टिवेट भी हो चुका है। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आने लगेगा डी फ्लिप बुक्स, आप इस पर कर्सर ले जाएंगे, ऑल बुक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पीडीएफ फाइल को ऐड करेंगे जिसे हम फ्लिप बुक की तरह यूज कर सके, ठीक है, पेज को आगे पीछे कर सके। तो ऐड न्यू बुक पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू बुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पीडीएफ फाइल, ठीक है, फ्लिप, ठीक है, टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद यहाँ पर पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल, इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल, इसे हम अपलोड करेंगे, सेंड टू फ्लिप पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर थंबनेल, आप पीडीएफ फाइल के अंदर थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, थंबनेल आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं, सिलेक्ट थंबनेल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप इंस्टा डीमेज से डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से डाल देते हैं एंड यहाँ पर बुक को टाइप कर देंगे, बुक, ये हम थंबनेल ले लेंगे, ये ले लेते हैं। ये मैंने बता दिया ये इंस्टेंट प्लगइन के बारे में। इंस्टेंट प्लगइन के द्वारा आप पिक्सल, पिक्सबे, अनप्ले जैसी वेबसाइट से डायरेक्ट इमेज अपलोड कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए वहाँ से, ठीक है। सेंड टू डी फ्लिप पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर थंबनेल भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें सिलेक्ट रहने देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर जनरल लेआउट, तो यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग वगैरह, इसे अभी डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, आगे बात करेंगे। एंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद एक कोड मिलेगा आपको, आपका कोड होगा एम्बेड का ये, ठीक है, एंड आपको ये कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कोड कॉपी करने के बाद आप कहाँ लगाना चाहते हैं, पहले मैं पेज में दिखाता हूँ, ठीक है, पेज में कैसे लगाएं। तो पेज आप बना सकते हैं या फिर जो आपका पहले से पेज बना है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट पेज में रखना चाहता हूँ, एडिट पर क्लिक करूँगा एंड लोकेशन देखिए आप कहाँ रखनी है, मैं यहाँ पर इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पेस्ट कर देंगे जो कोड हमने लिया था। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर व्यू पेज पर जाएंगे एंड नीचे आएंगे, देखिए ये पीडीएफ फाइल आ चुकी एंड यहाँ पर देखिए ये फ्लिप हो रही, ये देखिए है ना, ये देखिए है ना, जितने पेज होंगे इस तरह दिखाई देंगे। एंड यहाँ पर टूल दिखाई देंगे प्लस का, आप कोई भी यूजर या आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, काफ़ी यूजर फ्रेंडली, काफ़ी अच्छा प्लगइन है ना। एंड यहाँ पर उसे फुल देख सकते हैं, यहाँ से यूज़र कर सकता है, ये देखिए। एंड यहाँ पर इसे हम जूम आउट कर देते हैं, शेयर करना चाहे तो ये शेयर कर सकता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, लिंक्डइन है ना, और यहाँ से लिंक भी कॉपी करके भी शेयर कर सकता है। जैसे यूजर व्हाट्सअप पर करना चाहे इस पर क्लिक करेगा व्हाट्सअप खुलकर आ जाए।
है ना। एंड यहाँ पर अगर फेसबुक पे करना चाहते हो इस पर क्लिक करके फेसबुक से कर सकता है वो कोई भी यूज़र लिंक इस पीडीएफ फाइल को शेयर, है ना। एंड यहाँ पर लिंक देने और इससे भी करना चाहे तो यहाँ से लिंक के द्वारा भी कर सकता है। इस पर जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड करना चाहे तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये डाउनलोड हो जाएगी, ये देखिए हम डाउनलोड वाले पे जाते हैं, यहाँ से देखिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी। एंड फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंगल पेज मोड देखना चाहे तो वो देख सकता है, है ना। एंड यहाँ पर जाएंगे तो गो टू फर्स्ट पेज पर जाना है, लास्ट पेज पर ये ऑप्शन दिए फर्स्ट पेज पर जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए लास्ट फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, है ना। लास्ट पेज पर जाना है, लास्ट पेज पर जाएंगे, यहाँ से टर्न ऑफ साउंड कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं साउंड, तो मैं इसे डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, है ना। तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है। अब यहाँ पर मैं पेज में बता दी, अगर पर्टिकुलर पोस्ट में करना हो तो आपको कैसे करेंगे यार, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पोस्ट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी व्हाट इज एसईओ ये पोस्ट है, इसमें मुझे पीडीएफ फाइल ऐड करनी है। तो एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद कहाँ आपको ऐड करनी है, मुझे करनी है नीचे यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ कर देते हैं नीचे आके, यहीं कर देते, ठीक है। यहाँ पर आपको कर्सर रखना है और यहाँ पर आपने बनाया होगा फ्लिप का, इसे कॉपी करना है। अब मैं यहाँ पर विद थंबनेल वाला ले रहा हूँ कोड, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर विजिट करेंगे, नीचे आएंगे पोस्ट के अंदर आ चुके हैं, देखिए ये थंबनेल की हिसाब से आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर पीडीएफ फाइल ओपन हो गई, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट पेज में किया तो थंबनेल नहीं आ रहा, केवल यहाँ पर पीडीएफ फाइल ही आ रही है ना, यहाँ पर, है ना। एंड यहाँ पर हमने थंबनेल के साथ किया है तो देखिए इस तरह आ रही है ना, ये देखिए। तो थंबनेल हमने यहाँ पर ऐड किया है कस्टम, ओके। तो इस तरह से आप पेज ऑफ पोस्ट के अंदर पीडीएफ फाइल को फ्लिप की तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों उसकी सेटिंग पे आ जाए तो जाएंगे हम, तो यहाँ पर है जनरल लेआउट एंड यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग एंड यहाँ पर है व्यू टाइप। तो व्यू आपको कैसे है, वर्टिकल रीडर या फ्लिप बुक या स्लाइडर। तो यहाँ पर हम ग्लोबल सेटिंग को ही डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। पेज साइज कैसा चाहिए, यहाँ पर 1024, 1400, 1600, 1800, 2048, आप पेज साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंटेनर हाइट आपको कितनी चाहिए एंड बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको रखना है तो यहाँ से आप रख सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज रखना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक। तो हम इनमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। एंड ऑटो यहाँ पर साउंड वगैरह यहाँ पर रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पोजिशन वगैरह टॉप बॉटम, है ना। फ्लिप बुक पर जाएंगे तो यहाँ पर 3D चाहिए, 2D चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हार्ड पेज एंड यहाँ पर कवर चाहिए, ऑल पेजेस चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। फ्लिप ड्यूरेशन यहाँ पर कितने आपको समय का चाहिए वो आप यहाँ पर डालिए, टाइमिंग, है ना, ड्यूरेशन फ्लिप हो। पेज मोड यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग ही रहने देते हैं, सिंगल पेज मोड ग्लोबल सेटिंग रहने देते हैं, ठीक है। नॉर्मल जॉब वगैरह करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम फ्लिप बुक का जो भी पेज साइज है ऑटो रख देते हैं यहाँ पर। नीचे आएंगे तो इनेबल ऑटो, ये आप सेट कर सकते हैं ऑटो ड्यूरेशन, है ना। तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है। एंड आउटलाइन पर जाएंगे तो ऑटो इनेबल आउटलाइन वगैरह, ये बाहर की जो आउटलाइन होती है उस पर ही काम करेगा ना। तो बेसिकली पीडीएफ फाइल आप फ्लिप तरीके से ऐड करना चाहते हैं वर्डप्रेस के अंदर, प्लगइन आप सर्च कर रहे हैं तो बेस्ट है आपके पास 3D फ्लिप बुक पीडीएफ फाइल, काफ़ी अच्छा प्लगइन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीडीएफ फाइल को फ्लिप तरीके से ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस साइट के अंदर पेज या पोस्ट में। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।